दोस्तों आज मेरे पास फिर से एक Xiaomi कंपनी का Redmi 5A मॉडल आया है जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है और कम्प्लीटली डेड हो गया है। तो दोस्तों इसको प्राइमरी टेस्ट करने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों इसमें प्राइमरी टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। देख सकते हैं दोस्तों एम्पियर मीटर से जब भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 0.17 एम्पियर से आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये मोबाइल में भी हाफ शॉटिंग का प्रॉब्लम आया है। तो चलिए दोस्तों रेडमी 5A मोबाइल को खोलते हैं और देखते हैं क्या हाफ शॉटिंग का प्रॉब्लम आया है या फिर क्यों डेड हो गया है, इसको अच्छे से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक सीरियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं Redmi 5A का बैक पैनल को, बैक कवर को रिमूव कर दिया हूं और यहां पे मदरबोर्ड की कवर को रिमूव करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आया होगा आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। यहां पे दोस्तों मैं आपको प्राइमरी टेस्ट में बता चुका हूं कि इसमें सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो सकता है। तो दोस्तों ये मोबाइल में कौन सा सेक्शन में शॉर्टिंग होने से हाफ शॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम आया है, सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग जरूर होगा लेकिन कौन सा सेक्शन में शॉर्टिंग होने से ये मोबाइल डेड हो गया है, इसको फाइंड आउट करना जरूरी है। अगर ये फाइंड आउट कर लिए तो ये मोबाइल सॉल्व हो जाएगा और जो डेड प्रॉब्लम आया है ये भी सही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मीटर से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बैटरी कनेक्टर पे कंटिन्यूटी बिल्कुल सही से आ रहा है। मैं पहले से आपको मैं बता चुका हूं कि इसका सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो सकता है जिसलिए ये डेड हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें बैटरी में भी सप्लाई है, DC वोल्ट है। तो दोस्तों बैटरी में भी जितना वोल्ट है ये चालू कर सकता है लेकिन दोस्तों ये मोबाइल हाफ शॉर्टिंग के कारण से ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड हो गया है जिसको हम रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं BQIC जो लगा है इसका आसपास जितना भी कैपेसिटर है सब कुछ शॉर्टिंग बता रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके मीटर से भी रीडिंग ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से फाइंड आउट करते हैं और इसको DC पावर सप्लाई में टेस्ट करेंगे एक बार और देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये और अच्छे से हमको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों मीटर रीडिंग से मीटर रीडिंग लेते हैं, कहाँ कहाँ शॉर्टिंग आ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि इसका VPH लाइन जो कि PFO में जाता है और जो RFIC है उसमें जो जाता है उसी लाइन में शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आया है। तो कहाँ पे शॉर्टिंग है इसको खोजना जरूरी है, फाइंड आउट करना जरूरी है। ये अगर हमको फाइंड आउट हो गया तो ये मोबाइल भी 100% मैं गारंटी देता हूँ सॉल्व हो जाएगा, जो डेड प्रॉब्लम आया है 100% चालू हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा को रिमूव कर रहा हूँ और आप भी कैमरा को रिमूव करके काम करने की कोशिश करें। कभी भी काम कर रहे हैं कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी मोबाइल हो, तो कैमरा को जरूर निकालें और कैमरा निकालने के बाद ही PCB को काम करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों इसको DC पावर सप्लाई में एक बार कनेक्ट करके देखते हैं कितना रीडिंग ले रहा है, कितना एम्पियर ऑटो कंज्यूम कर रहा है, इसको देखना जरूरी है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें DC पावर सप्लाई से मैं कनेक्ट कर चुका हूं और यहां पे देख सकते हैं कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। ये ऑटोमेटिक 0.02 एम्पियर, ऑटोमेटिक 2323 0202 ऐसा कुछ एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये सेकेंडरी लाइन में जरूर कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग है जिस कारण से ये मोबाइल भी डेड हो गया है और ये मोबाइल का VPH लाइन में शॉर्टिंग बता रहा है। तो चलिए दोस्तों माइक्रोस्कोप में एक बार इसको देखते हैं कहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा था और कहाँ पे क्या रीडिंग आ रहा है, इसको मीटर से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मीटर से ट्रेस करने के बाद पता चल रहा है कि इसमें VPH लाइन में जो कि सेकेंडरी पावर लाइन है वो सेकेंडरी पावर लाइन में ही शॉर्टिंग है जिसलिए ये सेट डेड हो गया है। तो दोस्तों इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आया होगा इसको तो अच्छे से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले और एक वीडियो में पहले कुछ ही दिन पहले छोड़ा था और आप देखे होंगे शायद इसमें भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था जो कि VPH लाइन में शॉर्टिंग इशू आया था जिसको आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके और देख सकते हैं दोस्तों सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम इसमें भी आया है लेकिन दोस्तों इसमें
हो सकता है और कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकता है या फिर इसका भी 4G PFO शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसको फाइंड करना जरूरी है, अगर ये जब तक फाइंड नहीं होगा ये डेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसको फाइंड करने के लिए इसमें DC पावर सप्लाई से एक बार इसमें 4 वोल्ट 5 एम्पीयर का अप्लाई करेंगे और देखेंगे कहाँ पे शॉर्टिंग का इशू आ रहा है। तो दोस्तों आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी ये वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करें और देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट करना है, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट करना है, उसके बाद कूल टेस्ट और हॉट टेस्ट जो दोनों ही करना है। उसके बाद ही दोस्तों ये DC पावर सप्लाई से एक बार इसमें 4 वोल्ट 5 एम्पीयर का देंगे और कहाँ पे शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है ये हमको और अच्छे से फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो फॉल्ट आया है इसको खोजने के लिए इसमें VPH लाइन फुल शॉर्टिंग दिखा रहा था, इसीलिए दोस्तों इसमें 4 वोल्ट 5 एम्पीयर का VPH लाइन में ही सप्लाई डालेंगे जो कि हमको और अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग नहीं है और सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग होने के कारण से ये मोबाइल डेड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लक्स देने के बाद देख सकते हैं टच कनेक्टर का साइड में 2 कैप्स लगा है, बिल्कुल वहीं से स्मोक निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 4 वोल्ट 5 एम्पीयर का मैं सप्लाई यूज कर रहा हूँ जो कि VPH लाइन में जहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था, हालांकि मैं इधर चेक नहीं किया था मीटर रीडिंग से और मीटर से, और देख सकते हैं दोस्तों जहाँ पे मैं VPH लाइन में शॉर्टिंग दिखा रहा था वहीं पे सप्लाई डालने के बाद यहाँ पे ये जो 2 कैप्स लगा है बिल्कुल वहाँ पे शॉर्ट हो गया और वहाँ से स्मोक निकलना चालू हो गया। इसका मतलब ये जो यहाँ पे 2 कैप्स लगा है बिल्कुल वहीं पे शॉर्टिंग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको साफ सफाई करते हैं और देखते हैं इसको रिमूव करने के बाद ये शॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम आया था सेकेंडरी लाइन में ये शॉर्टिंग रिमूव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टच कनेक्टर का लेफ्ट साइड में 2 कैप्स लगा है जो कि पावर लाइन है, ये VPH लाइन से टच कनेक्टर से हो के टच में सप्लाई जाता है और ये लाइन में ही शॉर्टिंग आया था, जिसलिए ये कैप्स देख सकते हैं ये कैप्स को जो मैं रिमूव कर रहा हूँ यही कैप शॉर्टिंग हो गया था और जिसलिए ये सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो गया था। तो दोस्तों इसके चलते ये मोबाइल डेड हो गया था और ये रिमूव भी हो गया है और देख सकते हैं मीटर से रीडिंग लेते हैं कहाँ पे जहाँ जहाँ पे शॉर्टिंग आया था बिल्कुल वहीं पे रीडिंग आ रहा है या फिर शॉर्टिंग आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मीटर से और मीटर रीडिंग से देख सकते हैं जहाँ जहाँ पहले शॉर्टिंग आ रहा था ये देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आना चालू हो गया है। इसका मतलब इसमें जो हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आया था जो कि सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो गया था ये तो रिमूव हो गया है और देख सकते हैं रीडिंग से भी हमको पता चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक फॉल्ट को फाइंड करने के बाद हमको पता चल गया है कि इसमें सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग आया था जिसलिए ये डेड हो गया है, ये फॉल्ट भी रिमूव हो गया है और यहाँ पे जो शॉर्टिंग आ रहा था जहाँ जहाँ शॉर्टिंग आ रहा था बिल्कुल वहीं पे रीडिंग आना चालू हो गया है। इसका मतलब ये हाफ शॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम आया था ये सही हो गया है। इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे मोबाइल चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको ट्रेस करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे तो आपको 100% कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फॉल्ट फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद 1 लाइक बनता है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इसमें मोबाइल से रिलेटेड और गैजेट से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसमें DC पावर सप्लाई से एक बार कनेक्ट करके देखते हैं क्या अभी भी ये एम्पीयर कंज्यूम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे DC पावर सप्लाई राइट साइड में है और कोई भी एम्पीयर इसमें कंज्यूम नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आया था ये सही हो गया है। इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं और ऑन करने के बाद कितना एम्पीयर कंज्यूम हो रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑन कर लिया हूँ मैं और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 100 के ऊपर में जा रहा है और देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली एम्पीयर कंज्यूम हो रहा है, जो कि नॉर्मल बोर्ड जो कि चालू बोर्ड ऑन करने से इतना ही एम्पीयर कंज्यूम होता है। इसका मतलब ये सेट चालू हो गया है और देखते हैं इसमें फ्रेम में फिटिंग करके और इसमें फ्रेम में फिटिंग करने के बाद पता चल जाएगा पूरा कंप्लीट मोबाइल ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ से तो हमको पता चल गया कि ये 100% मोबाइल चालू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से मदरबोर्ड को फ्रेम में फिटिंग करते हैं और ऑन करके देखते हैं ये मोबाइल चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे MI लोगो आना चालू हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने की कोशिश किया Redmi 5 पे जो कि Xiaomi कंपनी से बना हुआ था और ये डेड प्रॉब्लम में आया था, कम्प्लीटली ये डेड रिकवर हो गया है, डेड प्रॉब्लम जो आया था ये 100% रिपेयर हो गया है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप मोबाइल को रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करें, कूल टेस्ट हॉट टेस्ट को ज़्यादा ध्यान दें और अगर ऐसे ही तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास चाहे कितना ही बड़ा प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी टॉपिक में और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।